लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में 17 मई को भी लॉकडाउन नहीं खुलेगा। लॉकडाउन खोलने का निर्णय इंदौर में उस समय के हालात को देखकर लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी मानने के लिए स्थानीय प्रशासन बाध्य नहीं है, यह कहना है इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह का। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक इंदौर के हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि दो दिन पहले इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदौर की स्थिति अब नियंत्रण में है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब उनका 17 मई को लॉकडाउन नहीं खोलने वाला बयान चौंका देने वाला है। एक तरफ इंदौर कलेक्टर स्थिति नियंत्रण में होने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन बढ़ाने वाली बात कह रहे हैं। यह बयान बेहद दिलचस्प है, समझ में नहीं आ रहा है कि इंदौर कलेक्टर इंदौर वासियों को सांत्वना दे रहे हैं या डरा रहे हैं। वहीं देश के कई जिलों में हालात सामान्य होने के बाद वहां पर भी लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, लेकिन इंदौर अभी भी रेड जोन में बना हुआ है। यहां पर प्रशासन स्थिति नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते यहां लॉकडाउन में छूट मिलना फिलहाल संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कर दी है। उनके मुताबिक जब तक इंदौर में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाएगी। इंदौर में लगातार नए क्षेत्रों में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का कारण है। यह संभावना जताई जा रही है कि 31 मई के बाद से ही इंदौर में लॉकडाउन खुलेगा। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। ये किसने बोला कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 17 मई के बाद? ऐसा सुनने में आया नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप इस तरह की बातें ना करें। शहर के स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक होगा वो होगा 17 मई के बाद, परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। और अभी थोड़ा संयम करना पड़ेगा लोगों को। शहर को अगर सुधरना है, एक दिन में, पाँच दिन में, अभी हमारे मनारगंज थाना क्षेत्र में केसेज आ रहे हैं, हमारे एमआईजी थाना क्षेत्र में केसेज आ रहे हैं, अरे गंगवाल बस स्टैंड के पास एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की कुछ केसेज हैं, वहाँ केसेज निरंतर आ रहे हैं। खजराना दरगाह के चारों तरफ कुछ केसेज हैं, बाड़ी बाग रोड में कुछ केसेज हैं। जब तक ये सब चीज़ें सेटल आउट नहीं हो जाती हैं तब तक इसको संयम रखना पड़ेगा अपने को। आज 90-95% ठीक हो गया है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि पूरा शहर खुल जाएगा 17 के मई बाद। इसलिए ऐसी कृपया करके ऐसी बातें ना करें कि 17 मई बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। ये सारा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं, ये कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बाध्यकारी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात, ये सजेस्टिव हैं सब चीज़ें, ये बाध्यकारी नहीं है सब चीज़ें। तो जो शहर की परिस्थितियाँ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट फील कर रही है और जो स्थानीय प्रशासन फील कर रहा है, या जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से काम होगा पूरा। जो शहर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा वो चीज़ें की जाएंगी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।